व्हाट्स अप गाइस, मानिन मोबिन एंड यू ऑल्सो वाचिंग टेक्निकल मोबिन। गाइस, आज के समय हम बात करने वाले जियो के ऊपर। जियो का प्राइस बढ़ गया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ पर एयरटेल का प्राइस बढ़ाया गया था, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया है उसका प्राइस बढ़ा दिया गया था। अब ये प्राइस किस लिए बढ़ी आपको पता चल गया होगा। आपको जो बिजनेस है 5G आने वाला, ठीक है, और 5G के लिए चाहिए पैसा, और यहाँ पर प्लान बहुत ज़्यादा ही सस्ता था मुकाबले अगर किसी और देश का बात करें, किसी और भी कंट्री में जाओगे तो इंडिया में काफ़ी सस्ता दिया जाता है। अब यहाँ पर कितने सारे, आप तो लगभग मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर लगभग 3 GB 2 GB से ऊपर ही यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर 5G आने वाला है तो 5G में तो पैसा लगेगा। तो गाइस, अगर एक बात कर ले यहाँ पर हेल्थी बिजनेस के लिए, जैसे आप बिजनेस को कर रहे हो तो गाइस उसमें बिजनेस को चाहिए, आप बिजनेस को आगे बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब 5G आने वाला है, 5G को भी थोड़ा सा डिले कर दिया गया, नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा 5G। तो इसीलिए सब कंपनी ने, जैसे आप एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, अपना अपना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, और लगभग 20% के करीब बढ़ाया, ठीक है। तो अब जियो का न्यू प्लान कितना का आया, जी गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला। देखो, जियो का जो प्राइस है उतना ही करीब है, अगर आप सोच रहे होंगे एयरटेल से जियो में जाए या फिर वोडाफोन आइडिया का सिम है, आप सोचोगे कि एयरटेल जियो में आ जाए तो ऐसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि शायद सबका प्राइस बढ़ गया हुआ है, आप कोई ऑप्शन नहीं है। आप में जो आपको बेस्ट लगे, आपके एरिया में जो सर्विस बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसका इंटरनेट काफ़ी अच्छा चल रहा है आपके एरिया में, उसी में रहो। ये नहीं कि इसमें सस्ता है तो इसमें चला या मालूम चला, ये इसमें आने के बाद आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपके एरिया में अगर जियो का नेटवर्क ठीक नहीं है तो जियो में आके आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, फालतू आपका डाटा वेस्ट होगा, राइट। तो आपके एरिया में जो भी नेटवर्क ठीक है उसी में रहो, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे दो ये मंजूर है, लेकिन जो बेस्ट है क्वालिटी उसी में रहो। तो अब जियो का न्यू प्लान क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगा, आपको पूरा देखना है कितना कितना प्राइस बढ़ा, किसका कितना बढ़ा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टोटल देख सकते हो कितना है, और इंस्टाग्राम पर शायद मैंने पोस्ट किया उसी का लिंक मिलेगा, वहाँ से फॉलो भी कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो सबसे अनलिमिटेड वाला यहाँ पर 28 डे के लिए था, वो था 129 का प्लान, ठीक है। तो आप 129 में अनलिमिटेड बात कर सकते थे 28 दिनों के लिए। तो उसका जो न्यू प्राइस है गाइस 155 यानी 155 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके आप निकालो कितना परसेंट बढ़ाया गया इस पर। और गाइस, यहाँ पर अगर बात कर अनलिमिटेड प्लान के ऊपर अगर हम आ गए जाए तो यहाँ पर 149 का जो प्लान था उसको 179 कर दिया गया है, समझ सकते हो, 20% के करीब यहाँ पर बढ़ाया गया। और गाइस, यहाँ पर बात कर ले जो पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान है 399, जिसमें पहले 84 दिन, उसका 56 है यानी 56 दिन के लिए हो गया। तो उसका जो प्राइस था 399 था, उसको बढ़ा कर 479, सोचो 79 रुपया यानी 80 रुपये के करीब इसमें बढ़ाया। और इसमें आपको कितना मिलेगा, आपको 1.5 GB हर दिन मिलेगा, 356 दिनों के लिए। तो ऐसा है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जो टोटल कितना प्राइस था ये यहाँ पर सब दिया गया है, तो आपको लिंक जाके चेकआउट कर लो, वहाँ से आपको टोटल मालूम चल जाएगा। तो यही था जियो का प्राइस है, सब टेलीकॉम सेम ही, अगर 5G आने वाला है तो प्राइस बढ़ाया है, ठीक है गाइस, उतना भी ज़्यादा नहीं है, जो सिम आप यूज़ करो उसी में यूज़ करो गाइस, काफ़ी बेस्ट है गाइस। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो गाइस, क्योंकि अभी तो उसको पता नहीं है जियो के प्राइस के बारे में, तो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।